भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, कौन उनकी माता थी और उनके पिता का नाम क्या था, उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की और किस किस को शिक्षा का दान दिया? अगर आप नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए यूं ही हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दें। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे शिव पुराण से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयं भू माना गया है, जिसका मतलब है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे है, जिस कारण उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो अमर है। लेकिन अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग बातें कह रहे हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि एक बार की बात है भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो जलते हुए एक खम्बे के रूप में महादेव उनके बीच में आ गए। वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खम्बे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और उस खम्बे के ऊपरी हिस्से को ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खम्बे का अंत ढूंढने चले गए। बहुत देर तक खोजने के बाद दोनों में से किसी को भी खम्बे का छोर नहीं मिला और दोनों ही हार मानकर वापिस आ गए, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है, इनसे बड़ी कोई भी शक्ति दुनिया में नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खम्बा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है, वो अमर हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक और विषय के बारे में, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता है। जी हाँ, भारत के कई हिस्सों में ये कहानी काफी प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती आकाश पाताल या फिर यूं कहे कि पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी कि पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आते थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करके भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र के रूप में उनसे पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद का ध्यान आया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक के रूप में शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हो गए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। इसके अलावा भगवान शिव के 108 नाम है और ये सभी नाम शिव पुराण में लिखे हुए हैं। ये नाम भगवान को किस तरह मिले, अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम इस पर भी आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं श्रीमद देवी महापुराण की। श्रीमद देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद देवी महापुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है।
और साथ ही ये भी पूछा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया और जो बताया वो वाकई में चौंका देने वाला था। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी कि प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और काल यानी कि सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है। इसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजा पिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ क्योंकि मेरी नाभि से निकले हुए कमल से ही आप पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे ये बहस बढ़ती चली गई। इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्रो, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और संभालने के लिए यहाँ भेजा था। ये दोनों काम मैंने ही तुम दोनों को दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे ही पांच मुख हैं और इन्हीं पांच मुखों से एक एक शब्द निकला है जिससे मिलकर ओम बना है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहते ही ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों समझ गए कि भगवान शिव ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और इस दुनिया में कुछ भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने किस से शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे। इसका जवाब शायद ही आप में से किसी को पता होगा कि शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों ही इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के लिए एक रिश्ते की शुरुआत की थी। जहाँ भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल 7 ऋषियों को ही दिया था, जिन्हें आज के समय में सप्तऋषि का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये सप्तऋषि आज भी उस ज्ञान को संजोए हुए कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हैं और ये सप्तऋषि वहाँ पर भगवान कल्कि के 10वें अवतार का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, जो कि अलग अलग पुराण में अलग अलग बात कहते हैं। इसी कारण आज तक पता नहीं लग पाया है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, और बस यही माना जाता है कि भगवान शिव एक ज्योति से प्रकट हुए थे, इसीलिए उन्हें काल यानी कि समय भी कहा गया है। उनकी शक्ति का प्रभाव इतना ज्यादा है कि जो भी उसके करीब तक अगर पहुंच जाए तो वो उसी में लीन हो जाएगा। नासा ने ब्लैक होल के बारे में कुछ इसी तरह का खुलासा किया है, जो भी उसकी शक्ति के पास पहुंच जाता है वो उसी में लीन हो जाता है, इसीलिए भगवान शिव को ब्लैक होल से भी जोड़कर देखा जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको भगवान शिव के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कमेंट्स में जय महाकाल जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। हर हर महादेव।